प्रसंस्करण हाइब्रिडाइजेशन के इस दूसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अगर किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो तो उसके उसका स्ट्रक्चर किस तरह का हो जाता है, किस तरह से उसका प्रसंस्करण होगा और स्ट्रक्चर में किस तरह का बदलाव आएगा। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन LPE उसे बोलते हैं जो ऐसा इलेक्ट्रॉन का पेयर जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता है। द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच डज नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस के कारण हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल चेंज कर जाता है। एक उदाहरण सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का लेते हैं जिसमें दो सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक, इस तरह से दो और एक मिला दें यदि तो ये तीन होगा और इस प्रकार sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा किसमें, SO2 में सल्फर डाइऑक्साइड में, और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस के कारण इसका जो आप शेप देख रहे हैं वो वी शेप्ड हो गया, वी की तरह हो गया, या बेंट बोलते हैं या एंगुलर बोला जाता है इसको, ये ट्राइगोनल प्लेनर ना होकर वी शेप्ड हो गया। अमोनिया को दूसरे एग्जाम्पल के तौर पर अगर लें तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और तीन हाइड्रोजन के साथ तीन सिग्मा बॉन्ड बंधन, तो सिग्मा बॉन्ड तीन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक, सिग्मा बॉन्ड तीन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक, ये आपका मिलाकर हो गया चार और इसमें प्रसंस्करण हो जाएगा sp3। sp3 प्रसंस्करण और sp3 प्रसंस्करण के कारण जनरल इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए था टेट्राहेड्रल, लेकिन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस के कारण जो इसका शेप होगा वो हो जाएगा पिरामिडल। H2O में पुनः हम देखते हैं कि सिग्मा बॉन्ड दो और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी दो, तो दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दो सिग्मा बंधन मिलकर हुआ चार, अतः sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन और इसका शेप SO2 की तरह ही वी शेप्ड हो जाएगा, या इसको बोलते हैं बेंड, या बोलते हैं HF। फ्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है सात, उसमें से एक बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगा, बचेगा छः, तो इस तरह से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तीन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन एक, यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है sp3, लेकिन तीन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस के कारण इसका जो शेप है वो हो जा रहा है लीनियर अर्थात एक रैखिक। इस प्रकार हम देखते हैं कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट हो तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज कर जाता है और मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर भी बदलता है। महत्वपूर्ण उदाहरण ICl4-, ICl4- सेंट्रल एटम जो इसमें आयोडीन है जिसके पास सात वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक माइनस चार्ज हम लोग दिखा दें तो आयोडीन के पास टोटल आठ इलेक्ट्रॉन, चार बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर दिखा दिया गया है। यहाँ सिग्मा बॉन्ड चार लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दो, इस तरह जब प्रसंस्करण की हम लोग बात करेंगे तो टोटल छ हुआ और इस तरह से हो जाएगा sp3 d2। ICl4- में sp3 d2 प्रसंस्करण हुआ, इसका जो शेप है वो हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, शेप स्क्वायर प्लेनर हुआ। दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण ICl4 का जो शेप हो गया वो हो गया स्क्वायर प्लेनर।